सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एंड आज की शुरुआत हमारी कुछ होती है ऐसे ऐसे ही, मतलब ऐसे ही शुरुआत होती है आज के दिन की हमारी। सो आज मेरा फिर से व्लॉग बनाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा फिर से व्लॉग बनाया जाए। एंड आज का दिन कुछ ठीक ठाक नहीं जा रहा है। बाय द वे, आज घुघुती है, कुमाऊँ के लोग जानते होंगे, जो उत्तराखंड से वो तो शायद सारे ही जानते होंगे, कुमाऊँ के लोग ज़्यादा स्पेशली जानते होंगे क्योंकि वही लोग मनाते। तो हैप्पी घुघुती आपको भी। एंड आज रात सुबह जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा, शायद आपको दिख रहा हो, ये पता नहीं किसने मुझे रात में क्या हो गया, ये न जाने किस परी ने आके लव बाइट दे दी। हमारी तो वही गर्लफ्रेंड भी रही है, तो एक ये हो गया सुबह सुबह। आई डोंट नो, दिख रहा होगा शायद से आपको, जब मैं बात कर रहा हूँ तब भी आपको शायद दिख रहा होगा, तो इसे इग्नोर करना, पता नहीं क्या हो गया है सुबह सुबह। देन उसके बाद हम गए फिर से कार्डियो करने। एंड सभी के ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है जो कि ज़्यादा ही बिगड़ैल होता है, जो कि ज़्यादा ही उदंडी बालक होता है। तो हमारे ग्रुप में भी एक है, वो है ये शख्स जिसे पंकज कहते हैं। एंड वो भी कभी कभार ऐसे ही, उसका भी दिमाग की तारें टूट जाती है, तो वो भी आज उसने भी मुझे दे दिया कुछ। तो आज का दिन की शुरुआत कुछ ऐसे ही जा रही है। एंड आज ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, और कुछ दिनों से अपनी स्किन वगैरह का ख्याल मैं बिल्कुल भी नहीं रख रहा हूँ। सो आज मुझे दो वीडियो करना है। मैं कुछ दिनों से रेगुलर वीडियोस भी नहीं डाल रहा था, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन डाल रहा था, अच्छे से वीडियो एडिट कर रहा था, उसके बाद मैं डाल रहा था पूरा अच्छे से काम करके। बट अभी मुझे वीडियोस का बैकअप लेना पड़ेगा क्योंकि एक मंथ बाद मुझे उत्तराखंड जाना है किसी काम से, एंड वहाँ मुझे कम से कम 10 से 12 दिन तो लग ही जाएंगे। सो उसका बैकअप मुझे अभी से तैयार करना पड़ेगा, वीडियो एडिट वगैरह करके अभी से मुझे अपलोड करनी पड़ेगी, शेड्यूल करनी पड़ेगी, फिर वो उस दिन में जिस दिन मैं वहाँ आऊँगा वहाँ वो पब्लिश ऑटोमेटिक हो जाएगी, तो ये भी करना पड़ेगा। सो अभी चलते हैं शेव करने, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मुस्टैच आने लगी है, थोड़ी थोड़ी, कैमरे में तो इतनी नहीं दिख रही होगी बट आने लगी है। सो अभी चलते हैं शेव करने। आफ्टर शेव मैंने बात लिया, बात लेने के बाद मैंने लंच करा, एंड अब मेरे हेयर्स भी लगभग ड्राई हो चुके हैं। सो अब मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ, देन अब मैं वीडियो बना के आता हूँ। बट उससे पहले आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, आज मकर संक्रांति भी है। सो मैं वीडियो बनाने यूँ गया एंड यूँ आया। सो डन विद द शूट गाइज, एंड अभी मेरे पास कुछ नहीं है आपको बताने के लिए। सो वीडियो आपके पास आ जाएगा। सो मास्टरबेशन सीरीज का हमारा ये 5th वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, एक दो दिन में आपके पास ज़रूर आ जाएगा। अभी मैं ना जाने क्या करूँगा। सो अभी के लिए बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में, वो आप आगे देखते रहिए, आप कहीं मत जाइए, आप व्लॉग में बने रहिए। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, अभी हम मिल रहे हैं डे आफ्टर टुमारो। एंड आज फॉग दिख ही रहा होगा आपको कितना ज़्यादा, ऐसा मेरे हाईवे पे ऐसा फॉग होता है, बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा। तो अभी फिर से जा रहे हैं कार्डियो करने, मिलते हैं। तो गाइस अभी हम मिल रहे हैं 5 से 6 दिन बाद। अब 5 से 6 दिन बाद क्यों मिल रहे हैं, वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मेरे पास कुछ और नहीं बचा है आपको दिखाने के लिए, व्लॉग में दिखाने के लिए। वैसे कंटेंट बहुत सारे हैं बट व्लॉग में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मतलब आजकल लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल चल रही है, वही मॉर्निंग में उठो, कार्डियो करो, कार्डियो करने के बाद वापस घर आओ, फिर अपना वीडियो अपलोड करो, शूट करो, एडिट करो, ऐसे ही मेरा पूरा का पूरा दिन निकल जाता है, तो कुछ और आपको दिखाने के लिए है ही नहीं। तो अभी मैंने जस्ट 3 वीडियो शूट करी है, वो आपको देखने को मिल जाएंगी, यानी कि उसमें से शायद 1 से 2 वीडियो उस 10 दिन के लिए जिसमें मैं उत्तराखंड जाऊंगा नेक्स्ट वीक। सो स्टे ट्यून्ड, उत्तराखंड के जो व्लॉग्स आएंगे वो बहुत ज़बरदस्त आएंगे। मैं कोशिश करूंगा जितने व्लॉग बना पाऊँ, 1 से 2 तो बना कर दूंगा ही आपको, बहुत ज़बरदस्त होंगे वो। सो उसका वेट करना नेक्स्ट मंथ के लिए। एंड बस आजकल कुछ और अब बात करने के लिए भी नहीं है। सो अब आपको भी पता है मैं अपने फ़ोन से ही सब कुछ करता हूँ, एडिट भी करता हूँ एंड शूट भी करता हूँ, तो इसमें काफ़ी सारे, अब 3 वीडियो ये हो गई, फिर पहले की 1 वीडियो अभी बाकी है जो मुझे एडिट करके अपलोड करनी है। एंड ये व्लॉग के काफ़ी सारे पार्ट्स, अब मैंने ये व्लॉग 3 से 4 मिनट का एडिट कर चुका हूँ मैं,
अब आगे ये एडिट करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा मैस्ड अप हो गया था सीन, तो फिर अब एक चीज़ अगर हल्का सा भी डिलीट हो जाता तो ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा मैं। सो इसीलिए 3 से 4 मिनट का ही देख लेना मेरे भाइयों, माफ़ी चाहूँगा बट एडजस्ट कर लेना, इतना ही है इस व्लॉग में, अब मैं और लंबा नहीं खींच सकता इसे। एंड 3-4-5 दिन से थोड़ा लो भी फील कर रहा था मैं, वो इसलिए क्योंकि कभी ना कभी 1-2 महीने में ये सीन हमेशा होता है, 1-2 वीक में बड़ा परेशान रहता हूँ, बाकी एनीवेज ये होता रहता है। सो बस गाइस इतना था आज के व्लॉग के लिए, आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा। वैसे नए इस चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो अब, टाटा।